हेलो विवान, इंडियन पॉलिटी जो कि एम लक्ष्मीकांत की बुक है वो हम रीड कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 9 है जिसके अंदर हम सारे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेंशंस देख रहे हैं, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 58 है हमारा, ठीक है, जिसमें हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे आज। तो ये अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जितने भी ये चैप्टर्स हैं उनको हमने रीड करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, आज हम पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता देती हूँ। तो जो हमारे पास हमने एक मिनट जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ, जो कि आर्टिकल जो है 343 to 351 के अंदर जो आता है। और इसके प्रोविजंस जो हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। वो एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से है। तो जो पहला है हमारे पास वो हमने देखना है लैंग्वेज ऑफ यूनियन, यूनियन की लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा हमारे पास है रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी, ठीक। एंड उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जुडिशरी एंड टैक्सेस ऑफ लॉज। एंड फोर्थ में हम बात करेंगे स्पेशल डायरेक्टिव्स, ठीक है। यही 4 चीज़ें यहाँ पे भी सेम जो है वो लिखी गई हैं, और एक एक करके हमने इनके बारे में पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे पार्ट नंबर 17 याद रखना है, और इनके आर्टिकल्स 342 to 351 ये ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करते हैं। तो अभी हम एक एक करके पढ़ते हैं। लैंग्वेज ऑफ यूनियन के बारे में पहले हम देखेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, वो एक एक करके देखते हैं। तो पहला है कि जो हिंदी है रिटन इन देवनागरिक स्क्रिप्ट, ठीक है, तो इसको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, किसकी, यूनियन की। उसके बाद इसमें जो न्यूमेरिकल न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है ना, उसको जो है वो भी यूज़ करनी है एज द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन। लेकिन हम ज़्यादातर किस में देखते हैं, नंबर्स जो हैं वो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ द न्यूमरल्स जो है वो देखते हैं, लेकिन देवनागरिक न्यूमरल्स हम नहीं लिखते हैं। तो ये इसमें बताया गया है कि जो देवनागरिक स्क्रिप्ट है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, किसकी, यूनियन की। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये है, फॉर द पीरियड ऑफ द 15 ईयर्स जब से कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना है, मतलब 1950 से लेके 1965, ये 15 साल हो गए ना। तो इसमें ये बोला गया था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो कंटिन्यू चलेगी सभी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूनियन के अंदर, ठीक है। फॉर विच इट वॉज बींग यूज बिफोर 1950, मतलब पहले भी चल रही थी, और 1950 जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से लेके 15 साल तक जो है वो चलेगी, इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू चलेगी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। उसका तीसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि इवन आफ्टर द 15 ईयर, अब जब ये 15 साल हो जाएंगे उसके बाद भी जो पार्लियामेंट है वो प्रोवाइड कर सकती है ये पार्ट की, कंटिन्यू रखा जा सकता है इंग्लिश लैंग्वेज को कुछ स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए। फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये आता है कि एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स एंड अगेन एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, ठीक है, तो ये किसकी बात, किस एंड ऑफ द 5 ईयर या 10 ईयर चल रहा है, जब से कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो तब से द प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट अ कमीशन टू मेक द रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। तो प्रेसिडेंट जो है एक कमीशन बिठाएगा जो कि इन सब चीज़ों के ऊपर डील करेगा, जैसे कि आपका हो गया कि हिंदी लैंग्वेज को कहाँ का यूज़ करना है, कैसे उसकी प्रोग्रेसिवनेस को बढ़ाना है, और कैसे रिस्ट्रिक्ट करनी है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कुछ अदर रिलेटेड इश्यूज़। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास आता है कि ये जो कमेटी बनाई जाएगी, अ कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब अब पार्लियामेंट एक कमेटी बनाएगी, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में ये है कि पार्लियामेंट एक कमेटी बनाएगी जो कि एग्जामिन करेंगी जो रिकमेंडेशन दी जाएंगी कमीशन के द्वारा, उसको कैसे लेके चलना है, एंड टू रिपोर्ट इट्स व्यू ऑन देम टू द प्रेसिडेंट, एंड उसके बारे में किसको बताना है, फिर प्रेसिडेंट को बताना है। तो ये सारा लैंग्वेज ऑफ यूनियन में ही है। अभी हम थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं,
कि 1955 के अंदर प्रेसिडेंट ने एक ऐसी जो कमीशन है, मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट एक कमीशन जो है वो क्रिएट करेगा, तो प्रेसिडेंट ने एक कमीशन जो है वो अपॉइंट किया, ठीक है, जिसका नाम था ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन थे वो आपको याद रखने हैं। ये पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो बीजी खेर, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवाई प्रेसिडेंट को, कब, 1956 के अंदर, एक साल बाद, ठीक है। उसके बाद ये जो रिपोर्ट थी वो एग्जामिन की, किसके द्वारा एग्जामिन की गई, पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि 1957 में पार्लियामेंट ने कमीशन बनाया था, उसके द्वारा इसको चेकआउट किया गया। और ये कमीशन किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, तो गोविंद वल्लभ पंत, तो ये इसके चेयरमैन थे, इन्होंने इसको देखा। और जो अनदर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वाज नॉट अपॉइंटेड इन 1960, जो कि बनाया जाना था वो नहीं बनाया गया, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली द पार्लियामेंट एनेक्टेड द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा 1963 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट के द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना दिया गया, ठीक है। ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता था कि इंग्लिश को कंटिन्यू आप यूज़ कर सकते हो इवन आफ्टर द 1965, क्योंकि हमने देखा था ना कि 1950 से लेके, मतलब जब से कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तब से लेके 15 साल तक इंग्लिश यूज़ होगी। उसके बाद 1963 में जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया पार्लियामेंट द्वारा लाया गया, तो उसमें ये प्रोवाइड करवा दिया गया कि इंग्लिश को 1965 के बाद भी यूज़ किया जा सकता है इन एडिशन विद द हिंदी, ठीक है, फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पसेज ऑफ द यूनियन एंड ऑल्सो फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट। उसके बाद ये एक्ट ये भी प्रोवाइड करता था कि इंग्लिश जो है वो इनडेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम लिमिट, मतलब कोई अब टाइम लिमिट इस फिक्स नहीं की कि अब तक यूज़ करना है कि कब तक इंग्लिश को यूज़ करना है। उसके बाद ये जो एक्ट था उसको अमेंड किया गया, ये आपको याद रखना है, 1967 के अंदर फिर इसको अमेंड किया गया, जिसके अंदर टू मेक द यूज़ ऑफ इंग्लिश इन एडिशन टू द हिंदी कंपल्सरी कर दिया गया सम केसेस के अंदर, सर्टेन केसेस के अंदर। तो ये अमेंडमेंट हुई थी कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को ही रखा जाएगा, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों को रखना है सर्टेन केसेस के अंदर, तो ऐसा अमेंड किया गया 1963 वाले एक्ट में। तो ये सारा था आपका लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। अब हम बात करते हैं रीजनल लैंग्वेजेस की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डिफरेंट स्टेट्स की होगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि डिफरेंट स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स हैं। तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस है वो एक एक करके देख लेते हैं हम। तो इसमें ये है कि जो लेजिस्लेचर है ना ऑफ स्टेट का, वो एडोप्ट करेगा या तो एक लैंग्वेज अपनी चूज कर सकता है या ज़्यादा, मतलब मोर भी कर सकता है अपनी स्टेट के लिए। तो चाहे वो हिंदी कर ले अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को, या फिर वो कोई भी कर सकता है, अनटिल दैट इज डन इंग्लिश टू बी कंटिन्यू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जब तक नहीं होगी तो इंग्लिश तो फिर ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी रहेगी स्टेट के की, ठीक है। उसके बाद अभी फर्स्ट पॉइंट में ये देख रहे हैं कि उसी हिसाब से, एक मिनट इसको रख करते हैं, तो उसी हिसाब से कुछ स्टेट्स ने जो है अपने रीजनल लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जैसे कि आंध्र प्रदेश ने जो है वो तेलुगु, केरला जो है मलयालम, असम की असामीज, वेस्ट बंगाल की बंगाली, ओडिशा की उड़िया, और आपके पास जो नाइन नॉर्दर्न स्टेट्स है जो नॉर्थ साइड में है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, इन सब ने हिंदी को जो है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। और उसके बाद जो गुजरात है उसने हिंदी को प्लस गुजराती इसको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया अपनी स्टेट की। उसके बाद जो गोवा है उसने मराठी प्लस कोंकणी को चूज़ किया है, और जम्मू एंड कश्मीर ने उर्दू को चूज़ किया है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि आपके पास हो गया मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन्होंने इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बोला हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश जो है किन किन स्टेट्स की है, तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और चॉइस ऑफ स्टेट जो है वो लिमिटेड नहीं है
लैंग्वेज को लेके, वो जो भी एट्थ शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज आती है वो उनमें से कोई भी अपनी चूज़ कर सकता है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। अभी सेकंड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि फॉर द टाइम बींग जो ऑफिशियल लैंग्वेज है किसकी, यूनियन की, वो इंग्लिश ही है। वुड रिमेन द लिंक बिटवीन द, वो एक तरीके से लिंक क्रिएट करती है कम्युनिकेशन बनाने के लिए जो यूनियन है और स्टेट्स। मतलब अगर यूनियन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रही है तो वो एक तरह से लिंक क्रिएट करती है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। काफ़ी सारे जितने भी इनके एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं तो उन सभी केसेस के अंदर ये एक कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करती है। तो जो टू और मोर स्टेट्स हैं वो फ्री हैं टू एग्री टू यूज़ द हिंदी इंस्टेड ऑफ इंग्लिश फॉर द कम्युनिकेशन। जैसे मान लो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा हो गया और राजस्थान हो गया, तो ये दोनों हिंदी यूज़ करते हैं तो ये फ्री है। ये इनके बीच में ये नहीं है कि ये इंग्लिश यूज़ करेंगे, इनका कम्युनिकेशन ब्रिज जो है इंग्लिश के थ्रू ही होगा। तो ये हिंदी को भी अपना कम्युनिकेशन, मतलब जो टू स्टेट्स हैं वो हिंदी को भी अपना बना सकती हैं कम्युनिकेशन का ब्रिज, ठीक है। उसके बाद कुछ जो हैं जैसे मान लीजिए राजस्थान हो गया, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब ने अपनी कॉमन लैंग्वेज जो है एग्रीमेंट्स के लिए बना रखी है। उसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो कि मैंने बताया 1963 के अंदर आया, उसमें ये बताया गया कि जो इंग्लिश है शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड द नॉन हिंदी स्टेट्स। नॉन हिंदी स्टेट्स आपके कौन हो गए, जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के हैं, ठीक है, जिन्होंने हिंदी चूज़ नहीं कर रखी वो भी हो गए, जैसे जो सदरन स्टेट्स होती हैं वो, तो उनके लिए इंग्लिश जो है वही ब्रिज का काम करेगी, कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करेगी। उसके बाद जो हिंदी है वो यूज़ की जाएगी बिटवीन द हिंदी, हिंदी भी यूज़ की जा सकती है हिंदी स्पोकन कंट्रीज में, स्टेट्स में सॉरी, और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में, तो वो भी एक तरीके से एकम्पनीट कर सकती है इंग्लिश के साथ, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि व्हेन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिजायर टू यूज द एनी लैंग्वेज स्पोकन बाय देम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट देन ही मे डायरेक्ट सच लैंग्वेज शैल बी द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट। अगर कुछ जो लोग हैं वो मतलब ज़्यादा संख्या में मेजॉरिटी में है कोई लैंग्वेज को स्पीक करने के लिए, तो प्रेसिडेंट उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जो है वो दे देगा उस स्टेट के लिए, ठीक है। एंड दिस प्रोविजन एम टू प्रोटेक्टेड, ये किस लिए देगा, ताकि जो लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट है माइनॉरिटीज़ के, यहाँ पे हमने मेजॉरिटी की बात की तो माइनॉरिटी भी सेम माइनॉरिटी, अगर एक एक ये स्टेट है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ इतना सा जो एरिया है वो कोई लैंग्वेज को बोलता है, तो अगर वो डिमांड करेगा ना कि उनकी लैंग्वेज को जो है ऑफिशियली स्टेट का लैंग्वेज बनाए, तो वो बना दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि उनकी जो लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट है उनको सेव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारा रीजनल लैंग्वेज में हमने पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज ऑफ द जुडिशियरी एंड द टैक्स ऑफ द लॉज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो इसमें देखते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो कि डील करते हैं लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड द लेजिस्लेशन, उनके अंदर थ्री कैटेगरीज जो है वो मतलब पॉइंट्स डिफाइन किए गए, वो देख लेते हैं। तो अनटिल पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज, इंग्लिश को ही यूज़ करना है जब तक पार्लियामेंट नहीं बोलेगा, ठीक है। तो किन किन में, ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट, तो इसमें इंग्लिश यूज़ होनी है। और जो अथॉरिटेटिव टैक्स है, जैसे कि आपके बिल्स हो गए, एक्ट्स हो गए, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, जो कि सेंटर एंड स्टेट लेवल पे है, तो वहाँ पे इंग्लिश यूज़ होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट है ना, उसको पहले असेंट लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से, जो कि प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को असेंट देगा कि वो यूज़ कर सकता है हिंदी को एंड एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू द जजमेंट डिग्रीज ऑर्डर्स पार्ट बाय देन। अब ये पूछ लिया जाता है, क्या जजमेंट्स में, आपका डिग्रीज में, ऑर्डर्स में ऑफ द हाई कोर्ट, इनमें यूज हो सकती है ये हिंदी या फिर ये
अदर ऑफिशियल लैंग्वेज तो इनमें नहीं हो सकती, लेकिन जो अदर प्रोसीडिंग होती है ना, तो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को असेंट देगा कि हाई कोर्ट में वो अपनी हिंदी लैंग्वेज और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है, एक्सेप्ट इसके इसके नहीं, मतलब जजमेंट्स में डिक्रीज ऑर्डर इनमें नहीं यूज़ होगी, बाकी सब में हो सकती है, क्योंकि ये जो है ये इंग्लिश में ही चलेंगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव है वो प्रिस्क्राइब करेगा यूज ऑफ द लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू द बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर, रूल्स, जो भी हमने ये बात की कि वो, बट अ ट्रांसलेशन ऑफ सेम इन द इंग्लिश लैंग्वेज टू बी पब्लिश। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव ये डिसाइड करता है कि वो अपनी लैंग्वेज में या हिंदी में उसको करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी साथ ही साथ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसी में ही अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको रब कर देती हूँ मैं। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का आया था, उसने क्या ले डाउन किया कि जो हिंदी ट्रांसलेशन है एक्ट्स का, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, वो पब्लिश होंगे अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेजिडेंट, जो कि डीम्ड है टू बी द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। और जो एवरी बिल है ना, जो कि पार्लियामेंट के अंदर आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है, टू बी एकम्पनीड बाय द हिंदी ट्रांसलेशन, क्योंकि ये इंग्लिश में होते हैं तो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी जो है वो ज़रूरी है। सिमिलरली अगर कोई हिंदी ट्रांसलेशन का है, अगर वो स्टेट से बिलोंग करता है, तो उसका इंग्लिश में जो है उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो ये जो एक्ट है वो अनेबल करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट को कि वो प्रेसिडेंट से असेंट ले पहले कि वो यूज़ करेगा हिंदी लैंग्वेज को और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज को ऑफ द स्टेट फॉर द जजमेंट डिग्रीज एंड ऑर्डर्स पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, बट दे शुड बी एकम्पनीड बाय द इंग्लिश ट्रांसलेशन। वही मैंने आपको बताया कि इंग्लिश ट्रांसलेशन फिर उसकी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदी यूज़ होती है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान में, तो ये हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन की कॉपीज़ भी सबमिट करवाएंगे। उसके बाद जो पार्लियामेंट हैज़ नॉट मेड एनी प्रोविजन फॉर द यूज़ ऑफ द हिंदी इन द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिंदी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी, इंग्लिश ही यूज़ होगी उस वहाँ पे, ठीक है। पार्लियामेंट ने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिंदी का यूज़ होगा। हैंस सुप्रीम कोर्ट हियर्स ओनली दोज हु पिटिशन और अपील इन द इंग्लिश। और 1971 के अंदर एक पिटिशनर ने आर्ग्यू किया, आर्ग्यूइंग इन हिंदी अ हैबियस कॉर्पस पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट, बट कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया, कैंसिल कर दिया उसकी पिटिशन को, ऑन द ग्राउंड दैट द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट वॉज इंग्लिश एंड अलाउइंग हिंदी वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये वाला केस भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे जुडिशियल टेक्स्ट ऑफ लॉस का लैंग्वेज का हो जाता है ख़त्म, एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स पे आ गए हम। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन करता है सर्टेन स्पेशल डायरेक्टिव्स को, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट को, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है, एंड प्रमोट करते हैं हिंदी लैंग्वेज को, प्रमोट हिंदी लैंग्वेज की डिवेलपमेंट को, ठीक है। अभी ये जो दो पॉइंट्स है ये हम इसी में ही पढ़ेंगे स्पेशल डायरेक्टिव्स में। तो पहला हमारे पास आता है प्रोटेक्शन ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिए गए हैं वो देख लेते हैं। पहला ये है कि एवरी एग्रीव्ड पर्सन हैज़ द राइट टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द रिड्रेस ऑफ एनी ग्रीवेंस टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑफ द यूनियन और स्टेट इन एनी लैंग्वेज यूज इन द यूनियन और इन द स्टेट एज द केस में भी, दिस मीन द रिप्रेजेंटेशन कैनॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब मान लीजिए कोई केस जो है वो किसी की, मतलब अपनी भाषा, मान लीजिए तमिलनाडु में एक सिख पर्सन रहता है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो तो पंजाबी है, ठीक है, तो वो अगर पंजाबी में अपनी वो देना चाहता है, कोई भी उसका जो केस है वो पंजाबी में देना चाहता है अपनी रिप्रेजेंटेशन, तो उसको इस ग्राउंड पे नहीं रिजेक्ट किया जा सकता कि स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पंजाबी नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में तो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज दूसरी होगी, तो ये उस बेस पे इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, उस केस में इसको
इनकी बात सुननी ही पड़ेगी, ये सिख पर्सन की बात सुननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एवरी स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी इन द स्टेट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ द एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो ये हर एक स्टेट का ये फर्ज है, ठीक है, कि एंड लोकल अथॉरिटी का भी ये फर्ज है कि जो चाइल्डहुड में प्राइमरी एजुकेशन देनी है बच्चों को, वो मदर टंग में होनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, और इसके लिए जो है ना प्रेसिडेंट जो है वो स्पेशल नेसेसरी स्टेप्स जो है वो लेगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो अपॉइंट करेगा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, जो इन्वेस्टिगेट करेगा अगर किसी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट का हनन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, तो उनको वो चेकआउट करेगा एंड रिपोर्ट जो है उसकी सबमिट करवाएगा प्रेसिडेंट को। एंड प्रेसिडेंट शुड प्लेस ऑल सच रिपोर्ट्स देन किसको देगा, वो पार्लियामेंट को देगा, और फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर चेकआउट करेगी कि कहाँ पे कमी आ रही है और कैसे इसको सुधारा जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका प्रोटेक्शन ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इस पर एक लेक्चर मैं पहले बना चुकी हूँ, उसको भी जाके देखिएगा। अभी हम स्पेशल डायरेक्टिव्स में ही जो है डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज को देख रहे हैं, ये इसका सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था इसका। तो अभी लास्ट पॉइंट पे आ गए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्पोज करता है ड्यूटी किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, कि वो प्रमोट करे एंड स्प्रेड करे एंड डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी को फोकस में ले एंड इट मे बिकम द लैंग्वा फ्रैंकिया ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ द इंडिया। उसके बाद सेंटर जो है वो डायरेक्ट करता है कि सिक्योर बनाना है हमने हिंदी लैंग्वेज को सभी टाइप्स में, फॉर्म्स में, स्टाइल्स में, एक्सप्रेशन में, यूज इन द हिंदुस्तानी एंड अदर लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल बाय ड्रॉइंग इट्स वोकैबुलरी प्राइमरली ऑन द संस्कृत एंड सेकेंडरी ऑन द अदर लैंग्वेजेस। और 2013 के अंदर जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर अब मतलब टोटल हो गई है हमारे पास 22 लैंग्वेजेस, पहले जो थी वो 14 लैंग्वेज थी, ठीक है। और ये अब 22 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। उसके बाद जो सिंधी है वो आपकी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में ऐड की गई। उसके बाद जो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली है, ये भी ये जो है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड की गई। और जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली है, ये आपकी 2003 जो कि आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई थी उसके अंदर ऐड किए गए। इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, बिहाइंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। पहला, कि जो मेंबर्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर टू बी गिवन द रिप्रेजेंटेशन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। दूसरा, द फॉर्म, स्टेट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर टू बी यूज्ड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है ऑफिशियल लैंग्वेज की जब बात आती है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा पब्लिक सर्विसेज के ऊपर, जो कि 59th लेक्चर होगा। आप मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।